गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फर्स्ट में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री। सेकेंड ऑप्शन है हमारा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वन का होल क्यू। थर्ड दिया है सी ऑप्शन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल फाइव प्लस एक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री। और डी में दिया है नन ऑफ दिस। इसमें बताना है कि चारों जो तीन इक्वेशन दिया हुआ है, डी ऑप्शन तो नन ऑफ दिस का है, इसमें कौन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सबको पहले सोल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ भी एक्स माइनस वन का होल क्यू है, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी करेंगे, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। और यहाँ भी ऑलरेडी प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये लीनियर बच जाएगा। फिर यहाँ पे अगर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है इंटू फाइव प्लस एक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री है, अब यहाँ एक्स टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और टू एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही कैंसिल हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है ये एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वन का होल क्यूब है, अब इसको ए माइनस बी के होल क्यूब पे एक्सपेंड करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो यहाँ भी एक्स का क्यूब आएगा, यहाँ भी एक्स का क्यूब है, ये एक्स क्यू वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का टर्म बच जाएगा, तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर टू में दिया है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल जीरो इज। अब इसमें बताना है कि इसमें रूट का जो सम होगा कितना होगा। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ बी का वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स, अब इसका भी माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ए का वैल्यू हमारा वहाँ यहाँ पे वन है। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया हुआ है इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो इज टू देन ए इक्वल वाट। अब इस इक्वेशन का एक रूट टू है तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन में ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू टू पुट कर देंगे, तो ये टू इंटू टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर इंटू टू ये एट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग टू रखेंगे तो ये टू हो जाएगा, प्लस सिक्स इक्वल जीरो। ठीक है, एट प्लस सिक्स फोर्टीन हो जाएगा, 14 राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ए निकालेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस सेवन हमारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेवन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस एटीन इक्वल जीरो। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इसके रूट का सम और प्रोडक्ट उसका रेशियो क्या होगा। तो पहले यहाँ पे निकालेंगे हम लोग सम, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए, बी ऑलरेडी पहले से माइनस है तो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व बाई सेवन आ जाएगा, ये सम आ जाएगा। फिर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी बाई एटीन बाई सेवन। अब इसका रेशियो निकालना है, सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा हमारा, ट्वेल्व रेशियो एटीन आ जाएगा, ट्वेल्व एटीन भी सिक्स से हमारा डिवाइड हो जाएगा, सिक्स टू जा सिक्स थ्री जा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, टू रेशियो थ्री। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सिक्स एंड देयर प्रोडक्ट इज सिक्स द इक्वेशन इज। अब इसमें हमको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट का सम सिक्स है और उसके रूट का प्रोडक्ट भी सिक्स है। ठीक है, तो हम लोग पॉलीनोमियल में एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हो तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर सिक्स दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी सिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ भी सिक्स और यहाँ भी सिक्स, तो यह हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया हुआ है इफ़ वन रूट ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस के इक्वल जीरो बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन के इक्वल वाट। ठीक है, अब इस इक्वेशन में दिया हुआ है कि इसका एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो के का वैल्यू क्या होगा, तो रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, एक को अल्फ़ा तो दूसरे को वन बाई अल्फ़ा मान लेंगे। ठीक है, अल्फ़ा और वन बाई अल्फ़ा मान लेंगे इसका रूट है,
तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग अल्फ़ा इंटू वन बाई अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा के बाई फाइव, ठीक है। अब यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा मेरा कैंसिल हो जाता है, अब यहाँ सिर्फ वन बच जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के का वैल्यू हमारा फाइव हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया हुआ है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो आर इक्वल देन सी इक्वल वाट। हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, इसका रूट्स इक्वल है तो सी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूट इक्वल कब होता है, जब डी का वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी का जो वैल्यू है ए बी सी ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ए का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू बी है, सी का वैल्यू सी है, मतलब ये हमारा जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो हम लोग डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग जीरो कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से फोर ए सी राइट में आके मेरा प्लस हो जाएगा, फोर ए सी बी स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो हमको सी निकालना है तो ये बी स्क्वायर बाई फोर ए हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर बाई फोर ए, ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह का और बहुत सारा एम सी क्यू क्वेश्चन आपके आर एस अग्रवाल की बुक में दिया हुआ है, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।